बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। जामवंत जी, यदि मुझ में उड़ने की श्रेष्ठतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभु श्री राम के काम आ पाता। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूषणों का गिरना कोई संयोग नहीं है, ये भी प्रभु की लीला है जो उचित समय पर ही ज्ञात होगी। मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभु कार्य में संलग्न होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान। महाराज जामवंत जी, मैं तो यथाशीघ्र अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए निकल जाता, परंतु सूर्यदेव को दिए गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना आवश्यक है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान, प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे, मुझे बताइए ना जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए ना जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो, जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है, अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहां इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे जहां एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहां यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। ये भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। करूंगी मैं।
संहार करेगी ये ताटका। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। पुत्र राम, रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें यह संकोच तो नहीं कि तुम्हारे सामने एक स्त्री खड़ी है? यदि ऐसा है तो अपने हृदय से यह संकोच निकाल दो। पुत्र राम, यह स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे कोई संकोच नहीं। इतना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब मेरे प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से उस दुष्ट यक्षिणी का वध किया होगा। विराजो हनुमान, बताता हूं। जी, आप भी विराजिए जामवंत जी, बताइए ना जामवंत जी। हाँ पुत्र, वो दृश्य
अत्यंत अद्भुत था हनुमान। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षण युद्ध कौशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीर्वचन कहे और प्रभु श्री राम को ज्ञात कराया कि ये तो आरंभ मात्र था, भविष्य में ऋषियों मुनियों के कष्टों के निवारण हेतु प्रभु उन्हें अनेक राक्षस राक्षसियों का सामना कर उनका वध करना है और इस महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र। अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रभु श्री राम को किसने प्रदान किए? स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बल और अति बल की विद्या दी। पुत्र आप दोनों भ्राता मेरे द्वारा अभिमंत्रित इस जल का पान करो। आप दोनों भ्राताओं में बल अति बल विद्याओं का संचार हो चुका है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप निद्रा और भोजन को प्राप्त किए बिना कभी भी क्लांत नहीं होंगे। आपने शुदा और निद्रा पर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर ली है। गुरुवर, ये ज्ञान देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदैव इस विद्या का प्रयोग जगत कल्याण हेतु ही करूंगा। अब आप दोनों का त्रिदेवों और देवताओं से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आप त्रिदेव एवं देवताओं का आवाहन करता हूं। देवतागण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम ऋषिगण। हे त्रिदेवो, हे अष्ट दिक् पालको, संसार के कल्याण हेतु अपने दिव्य अस्त्र दशरथ नंदन राम को प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र विष्णु जी द्वारा प्रदत्त धर्म चक्र काल चक्र एवं विष्णु चक्र बाबा भोलेनाथ का पिनाकी धनुष देवराज इंद्र का वज्र वरुण देव का वरुण पाश और अन्य देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मौदकी और सीकरी गदाएं प्राप्त करो पुत्र राम। विश्वामित्र आह्वान किए देव त्रिदेवा प्रकट भए राम को करने अधिक समर्थ अस्त्र शस्त्र की ये भेंट तदर्थ चक्र हरि पिनाकी शिवे श्री ब्रह्मा
ब्रह्मास्त्र दिए। रामचंद्र भय अति बलवान, जग कल्याणक लक्ष्य महान। महान कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रदान किया। आपके आशीर्वाद स्वरूप इन दिव्य अस्त्रों को पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे आशीष दीजिए कि मैं जब भी इनका आह्वान करूं ये मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने प्राप्त दिव्य अस्त्रों को सहर्ष अपने अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ साझा कर लिया। अर्थात ऋषि विश्वामित्र का प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को अपने साथ लाने का वास्तविक उद्देश्य था प्रभु श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करवाकर उन्हें और सशक्त बनाना। ऋषिवर का एक और उद्देश्य भी था जिसके विषय में तुम्हें बाद में ज्ञात होगा, परंतु उसके पूर्व ये सुनो हनुमान। दूसरे ही दिवस से ऋषि विश्वामित्र ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनुज लक्ष्मण उस क्षेत्र की रक्षा करने में तत्पर थे और प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यज्ञ स्थली की रक्षा हेतु एक दिव्य छत्र का निर्माण किया, जिससे कोई भी अवांछित जीव अथवा ध्वनि वहां प्रवेश न कर सके। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा अर्थात प्रभु मात्र उस क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे थे, परंतु उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि यदि वहां पर कोई और प्रवेश करने का प्रयास भी करे तो भी यज्ञ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। हाँ पुत्र, फिर दोनों भाई पूर्ण सतर्कता से यज्ञ पर अपनी सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए थे, परंतु यज्ञ के अंतिम दिन ताट का पुत्र सुबाहु और मारीच छिपकर यज्ञ में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, परंतु प्रभु श्री राम के सुरक्षा छत्र को भेद पाना कहाँ संभव था। अपनी इस असफलता से क्रोधित होकर उन्होंने भीषण हुंकार भरी, जिससे अनेकों भयंकर राक्षसों और राक्षसियों की सेना उड़कर वहां अवतरित हुई। वहीं प्रभु श्री राम ने अपना ध्यान उन दोनों अदृश्य राक्षसों के स्वर पर केंद्रित किया और फिर एक के बाद एक उन्होंने मानव बाण मारीच की ओर और आग्नेय बाण सुबाहु की ओर प्रक्षेपित किया। प्रकार इन
दोनों महाप्रतापी भ्राताओं ने अत्यंत सहजता से उन असरों से मुक्ति पाई और ऋषि विश्वामित्र शांति पूर्वक अपना यज्ञ करते रहे। ये कैसी ध्वनि है हनुमान? प्रतीत होता है शत्रु रूप में किसी अनिष्ट का आगमन हो रहा है यहाँ। और क्यों आ रहे हैं? इतनी संख्या में इनके यहां आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? गुरु की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा सर्वोच्च धर्म है।